रहे हैं पीटीएनआई न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। खबर यूपी के संभल से। मुसलमानों का पवित्र रमजान महीना 14 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार बोर्ड की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक चलेंगी। 14 अप्रैल से मुसलमानों के पवित्र महा रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। ऐसे में मुस्लिम छात्र छात्राओं को परीक्षा देने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं शिक्षक शिक्षिकाओं को भी परेशानी होगी। छात्र छात्राओं ने बताया है कि सुबह 3 बजे शहरी के लिए उठना विशेष नमाज तरावी अदा होती है। इसके बाद शहरी में सोकर उठना और परीक्षा देने जाना, इसमें समस्याएं आएंगी। 3 बजे के उठने के बाद जब सोया नहीं जाएगा तो परीक्षा देते समय सिरदर्द होगा। शिक्षक शिक्षिकाओं ने बताया है कि दोपहर की पारी में घर के कामकाज लगे रहते हैं, सारे दिन के भूखे होंगे और रमजान इफ्तार की तैयारी भी करनी होती है। इस सब को देखते हुए सरकार कार्यक्रम को पहले या आगे कर दे। हाँ, जैसे कि स्कीम 24 अप्रैल से पेपर शुरू हो जाएंगे, रमजान है, तो क्या चाहती हैं आप सरकार से? हम रमजान में पेपर नहीं चाहते, क्योंकि रमजान में इबादत करते हैं, रात को भी इबादत की जाती है। इसने याद भी नहीं हो पाएगा, इसने पहले हो जाए या बाद में हो जाए हमारे काम। सर, हम चाहते हैं कि पेपर रमज़ान से पहले हो या फिर बाद में हो, क्योंकि रमज़ान है, हमें इबादत भी करनी होती है, कुरान शरीफ भी पढ़ना होता है, फिर ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर होगा तो अच्छे से याद नहीं हो पाएगा, ध्यान नहीं दे पाएंगे हम एग्ज़ाम पर। तो हम चाहते हैं कि पेपर पहले हो या फिर बाद में। और ऑनलाइन क्लास इस तरह से नहीं हो पाई है जिस तरह से क्लास में लगती है, इस वजह से बच्चों की तैयारी भी वो नहीं है। ऊपर से रमज़ान में होगा तो ना वो पढ़ पाएंगे ना वो अच्छे से उसे समझ पाएंगे, ठीक है। और डर तो बच्चों को होता ही है भाई बोर्ड का, तो हमारी तो यही है कि आगे को बढ़ा दिए जाए। ठीक, हम इबादत भी करते हैं, रात को भी, दिन में रोज़ा रखते हैं, फिर हमें पानी की कमी भी हो जाती है, इसलिए हम सही से याद नहीं कर पाएंगे। और लॉकडाउन में भी सही से याद नहीं हो पाया, इसलिए हमारी तैयारी बहुत बुरी हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम भी सही जाएंगे तो रिज़ल्ट फिर कैसे आएंगे। तो क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से हम यही चाहते हैं कि लास्ट में हो पेपर या फिर पहले हो। सरकार से यही चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं है, आगे वो पढ़ें, इतना टाइम और मिल जाए उनको, एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए। रोज़ा होता है, प्यास इतनी होती है, बेतहा से गर्मी का टाइम होगा, ड्यूटी ठीक से टीचर नहीं दे पाएगी, दौड़ भाग बहुत करनी पड़ती है, खड़े होकर ड्यूटी देनी पड़ती है, तो खड़े होकर टीचर जो है प्यास की वजह से और भूख में ड्यूटी ठीक तरह से नहीं दे सकती। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? एग्ज़ाम आगे बढ़ाया जाए।